सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रेम को आने दें, प्यार को अपनी लाइफ में एंटर होने दें, परिस्थितियां खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब वचन को ग्रहण किया जाता है तो वचन छुटकारे को, डिलीवरेंस को लेकर आता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे इससे क्या लेना देना, तू मेरे पीछे चल। मैं यूहन्ना को 100 साल जिंदा रखूं, मैं चाहूं तो वो मरेगा भी नहीं, तुझे यूहन्ना से क्या लेना देना, तू मेरे पीछे चल, तुझे उसे नोटिस करने की जरूरत नहीं। इसलिए जिन लोगों के अंदर प्रेम होता है वो दूसरों से कभी जलस करते हैं, दा करते हैं। अगला, प्रेम अपनी बढ़ाई खुद नहीं करता है। प्रेम कभी ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बेस्ट हूं, तू निकम्मा है, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, देख मैं तुझसे सुंदर हूं, हैं, मैं तुझसे बेटर हूं, तू बेटर नहीं है, वो डिस्करेज नहीं करता। प्रेम हमेशा दूसरों को उठाता है, प्रेम दूसरों को तसल्ली देता है। मुझे जो भी कोई मिलता है वो फुल पावर से भरकर वापस जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर कोई भाई मुझे मिलता है वो फुल पावर से भरकर जाता है, क्योंकि जब कोई मुझे मिलता है मैं सर से लेकर पैरों तक अभिषेक और मोटिवेशन से भरा हुआ। मेरे पास दूसरे को खड़ा करने के सिवाय और कोई बात ही नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कई लोगों को मिलेंगे, भैन तू बड़ी माड़ी लगनी है, है? अच्छा तू तो कमजोरी बड़ी हो गई पहले नालों। हाँ लगता तेन कैंसर हो गया, हाँ तेरा तो चेहरा उतर गया भैन, अखां तो देख तेरे किन्ने डार्क सर्कल हो गए ने, तू तो बड़ी कमजोर लग रही है, हे चेक करा भैन कहीं तेन कोई बीमारी तो नहीं लग गई कितने। कितने लोगों को समझ आ रही? वो उसको डिमोटिवेटेड कर देंगे। लेकिन मेरे पास जब कोई आता मैं कहता हूं उठ खड़ा हो जा, यीशु मसीह तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेम जो है वो दूसरों को उठाता है, दूसरों को वो ग्लोरीफाई करता है, अपनी खुद बड़ाई नहीं करता। प्रेम दूसरों को उठाता है। यीशु मसीह ने हमें उठाया, उसने अपनी बड़ाई नहीं की। बाइबल कहती वो परमेश्वरों का परमेश्वर शून्य बन गया, यीशु मसीह खुदावंद का खुदावंद जीरो बन गया, लेकिन उसने हमें हीरो बना दिया, उसने हमें ब्लेस कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगला है, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं वाकई वाह क्या बात है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। कल मैं देख रहा था किसी भाई ने शमी भाई की फोटो फेसबुक पर डाली और उसने उसके ऊपर लिखा लेजेंडरी गॉस्पल सिंगर। लेजेंडर का मतलब क्या होता है? लेजेंड, महान, एक महान। अगर आप शमी से मिलोगे वो 15 देशों से भी ज्यादा देशों में विजिट कर चुका है। 4 साल की उम्र से उसने अपनी ढोलकी का और सिंगिंग का मिनिस्ट्री शुरू किया। आप उसे मिलोगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो सुपरस्टार है, इतना हम्बल है, इतना नम्र है। मैं अपने भाई की प्रेज नहीं कर रहा हूं कि वो मेरा भाई है, मेरे पास बैठा मैं इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। आपके बीच में भी शमी जैसे बहुत सारे लोग बैठे हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बोलो आमीन। ज्यादा नम्र होने से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। आपके फाइनेंस, आपके इंतजाम होंगे, आपके बिजनेस के इंतजाम होंगे, आपके कामों के इंतजाम होंगे। नम्र व्यक्ति को प्रभु कभी बेइज्जत नहीं होने देता, नम्र व्यक्ति को कभी प्रभु शर्मिंदा नहीं होने देता। पिछले दिनों में ब्रदर शमी जेल में चले गए, किसी झूठे केस में फंसा करके ये जेल में चले गए। 3 महीने में जमानत होनी थी, प्रभु ने 2 दिन में जमानत को पूरा कर दिया। बहुत सारे वहां पे क्रिमिनल लोग थे, उनके लिए प्रार्थना करके आए, उन्हें यीशु मसीह का नाम बताकर आए। हम्बल व्यक्ति कभी फूलता नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। फेसबुक वाली भविष्यवाणी नहीं करता हूं मैं भविष्यवाणी करूंगा
उसका घर, उसका कलर, उसके कपड़े, उसका बीमारी, उसकी प्रॉब्लम, उसके देश, उसके कंट्री, उसके घर के लोगों के नाम, एक एक लोकेशन तक पवित्र आत्मा मुझे बता देता है। मैंने कभी घुमंड नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे हीलिंग का वरदान दिया, लोगों को छूता हूं वो चंगे होते हैं, मैंने घुमंड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मेरे अंदर घुमंड आ गया, परमेश्वर ने मेरी बरकतों को वहीं पर रोक देना है। अगर मैं नीचा होता जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। प्रेम फूलता, जोर से बोलो प्रेम फूलता, वो फूलता नहीं है गुब्बारे की तरह, वो फूलता नहीं है, घुमंड में नहीं आता है। अगला है प्रेम अनरीति नहीं चलता, लव इज नॉट अ रूड। अनरीति चलने का मतलब रूड हो जाना, एक डिफरेंट बेढंगे बिहेव से दूसरों के साथ बेरुखी से पेश आना, प्रेम ऐसा कभी नहीं करता है। मैं एक बार इंग्लैंड था, इंग्लैंड में मेरी एक मीटिंग थी, एक भाई आया, वो बहुत रूड था। उसने सोचा तुम क्या चीज हो, तुम क्या प्रचार करोगे, तुम क्या गीत गा सकते हो, आई एम अ बेस्ट। बहुत रूडली प्राउड के साथ वो मेरे सामने पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर की आराधना शुरू की, मैंने वचन शुरू किया, बाद में वो मुझे जफ्फियां डालता फिर रहा था। बाद में वो बोल रहा था सर अपना नंबर दे दो, मुझे अपना ईमेल दे दो। बाइबल में क्या लिखा है, तुम पत्तों से नहीं तुम फलों से पहचाने जाओ। मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि हमारा चर्च फलों से भरा हुआ चर्च है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को फलों से भरी हुई, आशीष से भरी हुई कलीसिया बनाया। आमीन। ऊंचा तो खुदा आपके साथ है। बेरुखी से रूड तरीके से पेश नहीं आता। अगला है वह अपनी भलाई नहीं करता। जीसस लव्ड, प्रभु ने हमें प्यार किया हमारी भलाई देखकर नहीं, हमारी कमजोरी देखकर। प्रेम अपनी भलाई नहीं करता, अपने आप को प्रेज नहीं करता। अगला है प्रेम झुंझलाता नहीं, इरिटेटेड नहीं होता। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे गलती ढूंढना, अपने आप को ज्यादा स्पिरिचुअल कहना, दूसरों को कहना ये स्पिरिचुअल नहीं है, मैं एक बेस्ट चर्च में जाऊंगा, मैं एक बेस्ट पास्टर के पास जाऊंगा, झुंझला जाना, इरिटेटेड हो जाना, प्रेम ऐसा नहीं करता है। मुझे इस पास्टर के अंदर ये कमियां लगती है, मुझे इस बहन के अंदर ये कमियां लगती हैं, ये भाई अच्छा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं स्वर्ग के सिवाय आपको दुनिया में परफेक्ट जगह और कोई नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको हेवन परफेक्ट मिलेगा और कोई चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेम झुंझलाता नहीं है, इरिटेटेड नहीं होता, प्रेम से भरा रहता है। अगला है प्रेम बुरा मानता नहीं है। कई बार किसी को छोटा सा मजाक कर दिया तो वह बुरा मान लेगा। कई बार कोई बहन किसी को कुछ बोल देगी तो वो 6-6 महीने उसको बुलाती नहीं। घर में कई बार बच्चे मां बाप को नहीं बुलाते। आजकल तो ऐसा टाइम आ गया मां बाप को अपने बच्चों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बच्चे भी ऐसे एटीट्यूड में होते हैं कि मां बाप को दरवाजा पहले खटखटाना, कहता बेटा मैं अंदर आ सकती हूं। प्रेम बुरा मानता नहीं है। आपका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। मेरे फोन को कोई पासवर्ड नहीं। मेरी वाइफ उठाए, मेरे बच्चे उठाए, जो अपना फोन किसी को नहीं देता आज नोट कर लो गड़बड़ है। कितने लोगों को समझ आ रही है। आपका जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। कई बार व्हाट्सएप को लॉक, फेसबुक को लॉक, यूट्यूब को लॉक, फोन को लॉक। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो बोलो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु मसीह मेरी लाइफ में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए जिन लोगों के जीवन में ऐसी चीजें हैं, वो छोटी छोटी बात पे बुरा मानते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करो। आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही हो, आप
वो लोग हो जिन्हें परमेश्वर ने चुना हुआ वंश कहा है, और आप एक बड़ी बरकत के लिए परमेश्वर के ओर से चुने गए हो। जोर से बोलेंगे आमीन। प्रेम बुरा मानता, आपके हाथ में अश्लीलता का भंडार पकड़ा हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? यह अश्लीलता का समंदर आपके हाथ में है। आजकल आपको पब और क्लब, प्रोस्टिट्यूट जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। आपको कुछ गंदा उधर देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके हाथ में गंदगी है। अगर आपने एक गंदगी को ऑन कर दिया तो दुनिया की सारी गंदगी आपके फोन में आ जाएगी। अगर आपने एक गंदगी को ऑफ कर दिया तो आपका जीवन भी साफ हो जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब मैं नया नया सेवकाई में आया, मैं अमेरिका जा रहा था और जहाज में मैंने एक फिल्म देख ली। मेरी सीट के सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी, मैंने उसके ऊपर एक फिल्म देख ली। और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रचार करने के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ, वो फिल्म बार बार मेरे माइंड में आ रही थी। अगर आप इस समंदर में डूब गए तो कोई निकाल नहीं सकता आपको। इसलिए अपने फोन का सही इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो, अपने फोन को मर्यादा में इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने यह सहूलत आपको उसका वचन प्रसार करने के लिए दी है, ना कि आपको गंदगी के समंदर में डूबने के लिए दी है। परमेश्वर ने यह चीज आपको वचन सुनने के लिए दी है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए जब आपको कोई कुछ बोले उसका बुरा मानना, अगर मजाक सह नहीं सकते तो मजाक करो भी मत। कई लोगों को छोटा सा मजाक करो वो गुस्सा कर लेंगे, जब तुम करते हो तो वो सह लेते हैं, जब वो करते हैं तो तुम नहीं सहते हो। ऐसा क्यों? ये वचन के मुताबिक नहीं है। प्रेम बुरा मानता, जोर से बोलो बुरा मानता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुराई से खुश नहीं होता। अच्छा हुआ इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ इसका बेटा चिट्टा पीता है, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। मेरे को बोलते थे ना, देखा फिर अब लूट गए ना, अब मर गए ना, अब होगी ना बर्बादी। जिसके अंदर प्रेम होता है वो बुराई को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि दुखी होता है। ओ प्रभु इस परिवार को बचा ले, परमेश्वर इस बहन को बचा ले, प्रभु इस फैमिली को, इस पति और पत्नी को बचा ले मेरे परमेश्वर। प्रभु इस परिवार पर कृपा कर दे, प्रभु इसका जीवन नाश ना हो, प्रभु ये नरक में ना चले जाए। ओ मेरे परमेश्वर इस परिवार को सेव कर ले खुदा, इन्हें जीवन दे दे मेरे प्रभु। प्रेम कुकर्म से आनंदित होता, बुराई हो रही है तो खुश नहीं होना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा था एक और टांग टूटेगी फिर पता चलेगा। किसी का घर गिर गया, देखा फिर मिन्नू गाल कड़ी सी ताही ऐदा होया। ये प्रभु के लोगों का चरित्र नहीं, क्योंकि हम स्वर्गीय लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, हम आत्मिक दानों और वरदानों से भरे हुए लोग हैं। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। सोशल मीडिया पर किसी के साथ बुरा हो तो सब लोग उसे बुरा कहते हैं। किसी की गलत वीडियो वायरल हो जाए तो लोग कहते हैं ये तो है ही ऐसा था। माफी अगर दोगे तो माफी मिलेगी। प्रेम कुकर्म से आनंदित होता नहीं है, बल्कि कुकर्म से दुखी होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैंने बेइज्जती को सहा, इंसल्ट को सहा, मैंने लोगों के तानों को सहा, मैंने असफलता के तानों को सहा। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे करीबी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जिन लोगों ने मेरी मदद करने का वायदा किया था वो बीच सफर में मुझे छोड़कर चले गए, जिन लोगों ने मेरा साथ देने की कसमें मेरे साथ खाई थी वो लोग पौड़ी लगा करके पीछे खींच कर चले गए, जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े होने का वायदा किया था जिएंगे भी तुम्हारे साथ मरेंगे भी तुम्हारे साथ, वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम कहता है मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक दिन उन्हें वापस लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कसमें वादे किए वो एक दिन वापस आएंगे। प्रेम के अंदर ये काबिलियत है, ये खासियत है।
मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, वो दो पांव और दो हाथों वाला परमेश्वर है, वो मरा हुआ खुदा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है जिसकी कब्र आज भी खाली है, और वो अपने आत्मा में मुझे कह रहा है जो कुछ भी आपने सहा है परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। आज वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आज वो आपके परिवार को छुटकारा देगा, महान छुटकारा मैं आत्मा में आपके जीवन में आते हुए देख रहा हूं। प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम सब बातों में प्रतीति रखता है, विश्वास रखता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, आपके अंदर होप कभी खत्म नहीं होगी, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम के अंदर ये सारे गुण हैं। अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ताड़ना जरूरी है, जो ताड़ता है वो प्रेम करता है, जो ताड़ता नहीं वो आपसे प्यार नहीं करता। अगर मैं आपको डांटता हूं, मैं इसलिए डांटता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर मैं आपको डांटूंगा नहीं, बाइबल में लिखा अपने बच्चे को डंडे से मार ताकि तू उसकी जान को नरक से बचा ले। अगर किसी को डांटा नहीं, ताड़ा नहीं जाएगा तो वो नरक में चला जाएगा। आज आपके बच्चों को आपने डांटना है और प्यार भी करना है, आपने अपने परिवार को कंट्रोल में रखना है, अपने पारिवारिक छुटकारे के लिए आज प्रेम को अपने घर में लेकर आना है, अपने बच्चों में प्रेम को लेकर आना है, अपने चर्च में प्यार को लेकर आना है। ईर्ष्या, वैर, विरोध, मेरे प्रियो हमारा हिस्सा नहीं है। अगर हम विरोध करते रहेंगे, अगर हम प्रेम में नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह हमारी लाइफ में नहीं होगा, यह चर्च नहीं बढ़ सकता, यह चर्च में लोग आशीष नहीं पा सकते, इसलिए हमें प्रेम में बढ़ना है। यीशु मसीह प्रेम है, प्यार है। उसने कहा तू अपने दुश्मनों को माफ कर दे। आज अगर आपका कोई विरोधी, आपका कोई दुश्मन है, उसे दिल से माफ करो। मैं आपको बोल रहा हूं आपका पारिवारिक छुटकारा होगा, आपको बड़ी डिलीवरेंस आज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूं और तेरी स्तुति करता हूं जो आज का वचन प्रभु तूने मुझे दिया। इस वचन से इनकी लाइफ में छुटकारा आएगा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है प्रभु। आज से मैं इस चर्च में एक बड़े डिफरेंस को देखने के लिए जा रहा हूं। कोई व्यक्ति इस चर्च से टूटेगा नहीं, कोई आत्मा इस चर्च से कभी सेपरेट नहीं होगी, क्योंकि तेरा प्यार परमेश्वर इनके अंदर आ चुका है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपने इस चर्च को अपने लहू से खरीदा है, और प्रभु ये प्रेम में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओ जो इनके दुश्मन है वो भी इनके मित्र बन जाएंगे। प्रभु इन्हें आशीष दे, आज पारिवारिक छुटकारे की प्रार्थना के द्वारा बड़ा छुटकारा आ रहा है। आमीन। बड़ा तो बरकत बड़ी है।